वो लाइन से ही आपने बोल भी दिया कि जब मिलने गया था इसमें आपका गाड़ी खोल दिया था। जैसे बटन दबाने जाएगा ना डरेगा, पता है क्यों? जो बेस्ट सिलेक्ट किए गए उसमें इन्होंने अपने आविष्कार दिखाए और वहाँ पर जूरी मेंबर्स के आपस में ताना पूछी और उन्होंने तीनों लोग आए, तीनों लोग में एक कैरेक्टर ने पहला डेमोन्स्ट्रेशन किया क्लास डेमो और वहाँ पर सामने धर्म पत्नी बैठी है पापा मेरे की बात की जाए, लिट्टी चोखा जहाँ सुपर डुपर हिट रही, बाबू मोशन पिक्चर की जब भी ये फिल्में आ रही हैं तो एक अलग सब्जेक्ट है, लोगों को लग रहा है कि कुछ अलग कर रही है भोजपुरी। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम लोग जैसे भैया ने अभी बताया, हम लोग अब शुरू से ये मोटो होता है कि मनोरंजक फिल्म बनानी है पर कुछ साथ में कोई ऐसा मैसेज भी हो, कोई कोई माहौल में कुछ सुधार ला पाए, तो उस हिसाब से ही हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं और वैसी ही फिल्में बनाते हैं। मतलब सिर्फ डांस और गाने नहीं, हमारी फिल्म में कुछ मैसेज भी होगा और अलग तरह की होगी। बाबा मोशन पिक्चर्स के बैनर की बात की जाए, प्रोड्यूसर आप हैं, प्रदीप के शर्मा जी और पद्म सिंह जी हैं, साथ में डायरेक्टर की जो जोड़ी है पराग पाटिल जी, ये जो आप तीनों लोग दिख रही है ये कहीं एक नया, देखिए ये तीनों लोग का ट्रिपल पी है, ये ट्रिपल पी जब जब साथ में आएगा, धमाका मचेगा, पूरा ब्लॉकबस्टर होगा। एक्चुअली ये फिल्म नहीं है, लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो या सबका बाप अंगूठा छाप हो, एक्चुअली ये तीन नहीं है, ये आप काउंटिंग में तीन करते हैं, एक्चुअली ये 111 है। एक और एक और एक, और यहाँ मेन जो हमारा वोल्टा जिसे कहते हैं ना वोल्टेज, ये पावर हाउस है हमारा, यहाँ के पावर हाउस से हम जनरेट होते हैं। हमारी फिल्म के अंदर जो है सबसे, मैं दिनेश लाल निरोवे जी की तारीफ अगर ना करूँ तो मैं बेईमानी करूँगा, उनका जिस तरीके का सपोर्ट है, जिस तरीके को आउट ऑफ वे जाकर हम लोग का सपोर्ट करते हैं और कहानी के साथ में जुड़ते हैं और लोगों के साथ में परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी फिल्म में अक्षरा सिंह जी हैं, श्रुति राव हैं, खुद पद्म सिंह हैं, संजय पांडे जी हैं, संजय महानंद हैं और यहाँ के लोकल कलाकारों में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो उन सबको मौका प्रदीप शर्मा जी ने दिया है, इनका भी बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू। और बाबा मोशन इसी तरीके से फलता फूलता रहे, आप लोगों की दुआएं मिलती रहें, पराग पाटिल मिलते रहें, इनके द्वारा बनाया हुआ नया नया कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता रहे और एक बहुत अच्छा माहौल तैयार होगा। निश्चित तौर पर हम इसी रास्ते पे जो बनाया हुआ है इसी पे काम करते रहेंगे और सारी जनता को, जो हमारी जनता है, जो हमारा परीक्षण जिसे कहते हैं, देखिए अभी बाबा मोशन पिक्चर में ये जो तिकड़ी, जैसे आपने सवाल पूछा, अब ये तिकड़ी की अंडरस्टैंडिंग इस कदर हो चुकी है कि हम लोग तीनों लोग अपना जॉब जानते हैं और इस सरल तरीके से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से शूटिंग होती है, कहीं पे भी एक दूसरे के काम में बिना इंटरफियर किए हम लोग एक दूसरे को समझ के एक टीम वर्क करके एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सही बात, ये अभी ये बॉन्डिंग हो चुकी है तीनों तिकड़ी की, जैसे आपका सवाल था वैसे। और प्रयागराज में हमारा ऐसा कुछ नहीं था,
लेकिन प्रयागराज में हमारे डायरेक्टर साहब ने लोकेशन देखी और ओके किया। प्रदीप भैया का एक अच्छी बात यह है कि जहां तुमको पसंद हो वहां हाथ रखो, शूटिंग वहां होगी। जब हम यहां पर आए तो हमारा किसी से कोई पहचान नहीं था, केवल एक व्यक्ति प्रदीप सिंह जो मेरा छोटा भाई है और इलाहाबाद के रहने वाले हैं और क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी है, उसने आके सारा तामझाम इस तरीके से जमा दिया। तो हमें उनका भी बहुत थैंकफुल है और यहाँ के इलाहाबाद के प्रयागराज के जितने भी लोग हैं उन लोगों का भरपूर हमको सहयोग मिला है। उनके बिना बिल्कुल नहीं फिल्म बन सकती थी, नहीं बन सकती। और सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि जितना आप लोगों ने लिट्टी चोखा को प्यार दिया उतना ही प्यार आशिकी को दीजिए, और आशिकी के बाद सबका बाप अंगूठा छाप को दीजिए। बिल्कुल, आशिकी बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होगी, डेट भी अनाउंस किया जाएगा। आशिकी में केसारी लाल यादव जी और अम्रपाली दुबे, इन दोनों की जोड़ी पहली बार एक बड़े स्क्रीन पर आ रही है। कुणाल जी भी है उसमें, उसमें पदम भैया भी हैं, सारी स्टार कास्ट है अपने आप में, और बहुत बड़े स्टार कास्ट और बड़े निर्माण के तहत वो फिल्म बनी है बाबा मोशन पिक्चर्स के तहत। प्रदीप शर्मा जी ने बहुत ही चाव से आशिकी बनाई है और आशिकी का ट्रेलर का रिस्पॉन्स जिस तरीके से सारे ऑडियंस ने दिया है वही हम लोगों को उम्मीद है कि आप लोग सिनेमाघरों में भी वही रिस्पॉन्स दें। प्लीज़ मैं अभी अनुरोध चाहूँगा कि दिनेश जी और अक्षरा जी आए और इस किस तरह की फिल्म है सबका बाप अंगूठा छाप। सबका बाप अंगूठा छाप एक ऐसी कहानी है जो पराग पाटिल जी ने रचा है, इसको हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो निर्माता हैं वो हमारे प्रदीप शर्मा जी, बाबा मोशन पिक्चर्स और सभी कलाकार जो हैं वो आपके सामने ही हैं। अक्षरा जी हैं, श्रुति राव जी हैं, संजय पांडे भैया हैं, हमारे पदम सिंह जी हैं, संजय महानंद जी हैं। और कहानी है वो इस तरह से है कि एक अनपढ़ लड़का जो कुछ प्रयोग करना चाहता है, कुछ उसको लगता है कि वो सफल हो जाएगा, और उसमें जो उनकी पत्नी की भूमिका में है हमारी अक्षरा जी वो भी सपोर्ट करती हैं, पिताजी को लगता है कि नहीं कर पाएगा, दोस्त भी सपोर्ट करते हैं संजय जी, और ये जो हमारे संजय पांडे भैया हैं इनको भी लगता है कि नहीं कर पाएगा, पर इनकी जो बहन है इनको लगता है कि कर लेगा। तो ये दोनों के सहयोग से और इन दोनों लोगों के विश्वास से ये उस काम में लग जाता है और उसको सफलता मिलती है, और इसमें जो ड्रामा बनता है वही जो है लोगों को मनोरंजन करेगा उनका और उनको मज़ा आएगा। कॉमेडी का भी तड़का है? हाँ, अरे जहाँ संजय महानंद जी हैं, जहाँ संजय पांडे भैया हैं, वहाँ मतलब कॉमेडी का तड़का ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाबा मोशन पिक्चर की तरह बात करें जैसे एक अलग अलग स्टोरी लेके जी, कितना अलग स्टोरी होगा ये? हाँ, मुझे लगता है कि ये इसीलिए जाने जाते हैं कि ये हर बार जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं। तो भोजपुरी फिल्मों में आपने बाकी मुद्दों पे तो देखा होगा सिनेमा, इस मुद्दे पे आप पहली बार सिनेमा देखेंगे कि गाँव का एक कारीगर है, छोटा सा कारीगर है, जो बाइक किसी की खराब हो गई तो उसको खोल देता है और फिर बाद में उसको खुद बांध भी नहीं पाता है। वो कह रहा है कि हम जो है एक बहुत बड़ा प्रयोग करेंगे, उस दिन आप लोग को पता चलेगा कि हम कौन हैं। तो इस तरह की फिल्म बनाना मतलब इनके बस का ही काम था कि इन्होंने इस पे सोचा और उसको बना रहे हैं। भोजपुरी में कई फिल्में की हैं आपने जी, उत्तर प्रदेश के बाद प्रयागराज में आए जी, तो क्या एक्सपीरियंस क्या रहा है? बहुत अच्छा रहा। प्रयागराज तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारा लोकेशन है, यहाँ भोजपुरी फिल्में बनती रहती हैं, और आजकल तो भोजपुरी की लगभग 99% फिल्में जो हैं वो यूपी में ही बन रही हैं। तो हम लोग तो 4-5 महीने से यूपी में ही हैं, अयोध्या में शूटिंग किए, बनारस में शूटिंग किए, लखनऊ किए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए बुंदेलखंड में किए। तो हमको तो मुंबई जाने ही नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश, सब तो उत्तर प्रदेश ने ये जिम्मेदारी ले ली है
कि भोजपुरी सिनेमा बनाने वालों को हम उत्तर प्रदेश में ही रख लेंगे, यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। ये ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश यहाँ से जाने नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, तो पूजनीय महाराज जी आए थे मुंबई, और वहाँ फिल्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी किया था और उनको आमंत्रित किया था कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, फिल्में बनाइए, हम हर सहूलियत आपको देंगे। आज यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो पूरी इंडस्ट्री आ चुकी है। अब आप किसी को देख लीजिए, चाहे पवन सिंह जी को देख लीजिए, अक्षरा सिंह जी को देख लीजिए, आम्रपाली जी को देख लीजिए, या कल्लू जी को देख लीजिए, जितने हमारे मतलब भोजपुरी सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, कलाकार हैं, निर्माता हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में ही हैं आज के दिन में। अक्षरा जी, कैसा लग रहा है आप फिल्म में जो एक साथ काम करेंगे? मुझे हमेशा से जब भी रवा जी के साथ काम करने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा है, और अब भी बहुत खुशहाल और बहुत अच्छे से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, और जैसा कि हमेशा से अच्छा लगा है, आज भी अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छा लगता रहेगा। ये सौभाग्य की बात है कि इनके साथ काम करने का मौका मिला है। ये इनका बड़प्पन है, भोजपुरी की इनको शेरनी कहा जाता है, और ये जहाँ रहती हैं वहाँ दहाड़ती हैं, तो इनके साथ काम करने का अवसर हम लोग को मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। और संजय पांडे भैया जो हैं वो अपना अनुभव बताएंगे। बताइए संजय पांडे भैया, अपना अनुभव। मेरा तो ठीक है, मैं तो एक अच्छी कहानी और एक अच्छी टीम का हिस्सा हूँ, और ख़ासकर दिनेश जी जिस फिल्म में होते हैं, हमारी तो केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है। हमारी जो नोक झोंक है उसके बिना वो तड़का जो लगता है हमारा झगड़े का, वो तड़का इसमें भी है, तो वो मुझे लगता है कि एक अलग कहानी तो ऑब्वियसली दिनेश जी ने बताई कि उसको कमर्शियली बनाया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को, उस कहानी को, और मुझे लग रहा है कि बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बन रही है। बहुत एंटरटेनिंग, और एक बहुत अच्छी कास्ट है इस फिल्म की, क्योंकि कहानी को कास्ट ही उठा कर ले जाती है, शुरुआत से अंत तक पब्लिक के सामने लाती है, तो कास्टिंग बहुत प्यारी है। अक्षरा जी हैं, और शायद हम बहुत दिनों बाद फिल्म कर रहे हैं कोई साथ में, श्रुति जी के साथ अभी एक दो फिल्में की मैंने साथ में, पदम जी हमारे कलीग है, हमने साथ में एक्टिंग में कोर्स किया है भोपाल में, संजय महानंदा छत्तीसगढ़ की शान, फिर कुल मिलाकर ये जो बुके तैयार हुआ है, ये बड़ा खूबसूरत तैयार हुआ है, और मुझे लगता है बहुत प्यारी फिल्म बन के निकलेगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि दिनेश सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे सुनती थी कि लाइक मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ सीखा है इनसे स्क्रीन पे देख के, मेरे लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू है। तो बहुत ही लकी हूँ मैं कि इस फिल्म का पार्ट हूँ, और सर मुझे हर बार, हम राजा डोली लेके आ जाए इससे पहले एक मूवी में स्क्रीन शेयर किए थे, उसमें भी इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, हर एक सीन में डिस्कशन करके समझाया है, इस फिल्म में भी हर एक चीज़ को समझाते हैं, और मैं इसको प्राउडली बोल सकती हूँ कि दिनेश सर जैसे हर एक हीरो को होना चाहिए, कि हीरोइन भी कंफर्टेबली काम करे, और मैं बहुत खुश हूँ। अक्षरा जी हैं, अक्षरा जी बहुत ही प्यारी हैं, और उनको भी देखा है अभी, वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। संजय सर हैं, संजय सर से हमेशा सीखने मिलता है, बाकी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं ही जूनियर हूँ, सब मेरे सीनियर हैं, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? जो किरदार है बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और मैं रिवील नहीं कर पाऊँगी, बट इतना कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। संजय जी, बात करें जैसे निरहुआ जी के साथ अक्सर फिल्मों में आप उनके राह का रोड़ा बनते हैं, हाँ वही, वो कंटिन्यूटी बरकरार है। मैंने शुरू में कहा कि हम लोग, मैं जब तक उनकी राह का रोड़ा ना बनूं, ऑडियंस एंजॉय नहीं करती, मजा नहीं आता। ब्रेकर बना गया, हाँ वो ब्रेकर मैं बना हुआ, और वो ब्रेकर बनने की जो कंटिन्यूटी वो भी इसमें भी है, बट इसमें ऐसा अलग अलग नहीं है, उसमें दो अलग अलग जोन में रहते हैं हम लोग, यहाँ हम साथ में ही हैं सीन में, और रह भी फिल्म में साथ रहे हैं, उसी दौरान नोक झोंक है, और बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज होती हैं फिल्म में, जो स्क्रिप्ट में नहीं होती हैं, और मुझे लगता है वो चीज़ें ज़्यादा क्लिक होती हैं एक सडनली। बिल्कुल, हाँ क्या संदेश दे रही है बताइए, डायरेक्टर साहब अच्छे से बताएंगे। सभी मीडिया कर्मियों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। फिल्म का नाम है सबका बाप अंगूठा छाप, प्रोड्यूसर है हमारे
प्रदीप के शर्मा जी, को प्रोड्यूसर हैं पदम सिंह जी और अनीता शर्मा जी, और इस फिल्म को लिखा गया है राकेश त्रिपाठी ने और मैं इस फिल्म का निर्देशन कर रहा हूँ प्रदीप सर और पदम भैया के नेतृत्व में। और इसके मुख्य कलाकार है दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी। कलाकारा हैं अक्षरा सिंह जी, श्रुति राव जी, संजय पांडे, संजय महानंद, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जी, पदम सिंह जी, उसके बाद में राजीव यादव जी, ये सारे कलाकार हैं। सबका बाप अंगूठा छाप है और सबका बाप अंगूठा छाप का एक कंटेंट ये है कि गांव में बहुत सारे टेक्निकल लोग होते हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टेक्निकल दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ होता है, इतना शार्प होता है, और लेकिन डिग्री ना होने के कारण से वो अपने आप को कहीं भी अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाते या कहीं पर भी अपनी योग्यता है, टेक्निकल योग्यता साबित नहीं कर पाते। तो उसी का पूरा मिश्रण है सबका बाप अंगूठा छाप। अब सबसे ज़्यादा भोजपुरी फिल्म उत्तर प्रदेश में शूट होने लगी है, वजह क्या? देखिए, सबसे बड़ी तो उत्तर प्रदेश में फिल्म शूट होने की वजह स्पेशली बाबा मोशन पिक्चर्स की ये है क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ, तो भोजपुरी फिल्म का एक एटमॉस्फियर यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। जहाँ पर भी फ्रेम रखो तो आपके कंटेंट से जुड़े हुई चीज़ें आपको मिल जाती है। और दूसरी बात, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में शूट होने की बात है तो यहाँ की सरकार हमें सपोर्ट करती है सब्सिडी फॉर्मेट की वजह से, और उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर आके शूट करते हैं। प्रोड्यूसर, आप क्या कहना, फिल्म बंधु से कितना सपोर्ट मिलता है, सब्सिडी जो दे रही है? फिल्म बंधु के बारे में हमारे पदम भैया हैं, ये बहुत गहराई तक उनसे जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूँगा कि फिल्म बंधु की वजह से बहुत से छोटे प्रोड्यूसर, जो मैं भी कभी छोटा ही था, अभी भी हूँ, तो उनको भी बहुत हेल्प मिलता था कि वो अगली फिल्म बना सके, आगे आ सके। तो इसके लिए मैं फिल्म बंधु के बारे में जो डिटेल है वो भैया बताएंगे। जहाँ तक फिल्म बंधु की बात है और उत्तर प्रदेश में शूटिंग का सवाल है, उत्तर प्रदेश की भूमि है और यहाँ पर कहानी का जो लेखा जोखा है, जो तैयार किया गया है, वो यहाँ से मिलता जुलता है। हमारा परिवेश ही ग्रामीण परिवेश से संबंधित होता है, और जब फिल्म बंधु में जहाँ पर अनुदान देने की बात आती है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था बनाई है कि उससे प्रोड्यूसर तो सशक्त होता ही है, साथ में यहाँ के जितने भी टैलेंट हैं उनको भी मौका मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना अधिक टैलेंट है, तो उस छोटे छोटे से गांव में शूटिंग करने के बाद वहाँ के लोगों को आगे निकालने का, जो हमारे यहाँ पर हमारा फिल्म प्रोडक्शन हाउस और भी और लोगों के फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैं, वो कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को बाहर निकाला जाए और काम किया जाए। इसके साथ पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को यहाँ की खूबसूरती का, जो फिल्मों के माध्यम से, फिल्म के छायांकन के माध्यम से यहाँ का प्रचार प्रसार पर्यटन को भी मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फिल्म बंधु के माध्यम से एक नया व्यवसाय भी जुड़ रहा है, और योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उन्होंने एक फिल्म इंस्टीट्यूशन खोलने की बात की है नोएडा में, तो फिल्म इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफिस नोएडा हो सकता है, लेकिन उनकी आगे की योजना ये निश्चित तौर पर रहेगी कि किसी ना किसी छोटे छोटे, पूर्वांचल हुआ, बुंदेलखंड हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ पर भी छोटे छोटे फिल्म सिटी जो है, लघु फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए, शायद उनका इस किस्म का प्लान भी होगा। तो इस तरीके से फिल्म बंधु के माध्यम से यहाँ पर आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक यदि फिल्में बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा योगदान जाता है यहाँ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को और फिल्म बंधु को। आपने बुंदेलखंड में भी फिल्म शूट कराई है, तो क्या बुंदेलखंड के वहाँ भी कुछ हब बनाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर, बुंदेलखंड एक आज से नहीं, हजारों साल पहले से बहुत संपन्न और सुसंस्कृति और सांस्कृतिक नगरी रही है। इसका इतिहास में कई जगह पर जिक्र भी मिलता है, चाहे कालिंजर का किला हो, चाहे भूरागढ़ का किला हो, चाहे केन बेतवा का संगम हो, चाहे चरखारी का, जो कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का कश्मीर जो कहा जाता है वो चरखारी है, महोबा है, दतिया है,
दतिया तो उत्तर मध्य प्रदेश में आ गया है, लेकिन ओरछा हुआ ये भी मध्य प्रदेश में है, झांसी हुआ, ये सब ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो अपनी छाप छोड़कर और उसकी गरिमा का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो स्थापत्य कला है वो भी प्रदर्शन होता है। तो हमारी जितनी भी फिल्म बनती है और पर्यटन के क्षेत्र में हिंदुस्तान से बाहर के लोग जो जाते हैं खजुराहो, तो यहाँ पे ये लोग देखने के लिए, और साथ ही प्रयागराज हुआ, फिर वाराणसी हुआ, ये बुंदेलखंड के इर्द गिर्द का दायरा है, तो ये पर्यटन के लिए भी है और हमारी फिल्म के लिए भी है और यहाँ की संस्कृति के विकास के लिए भी है। जो यहाँ पर लोकल कलाकार जी, उनको भी आप लोग दे रहे हैं फिल्म में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है कि लोकल कलाकारों को अधिक से अधिक मौका भी देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इनको प्रोत्साहन मिलेगा तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कितनी अलग फिल्म है ये और फिल्मों से? सबका बाप कहूँ पहचान, बाबा मोशन पिक्चर्स के द्वारा जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं ये इस किस्म की बनाई जाती हैं कि समाज के प्रति संदेश तो होता ही है और वो मनोरंजक और मनोरंजकता को साथ में लिए हुए ही आगे बढ़ती है। तो हमारी चाहे डमरू हो, चाहे राज तिलक हो, चाहे लिट्टी चोखा हो, चाहे डायरेक्ट इश्क हो, चाहे आशिकी हो, आशिकी आने वाली एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है जो पूरे प्रयागराज के साथ साथ इतनी बड़ी फिल्म जो है अभी तक तो ना बनी है। उसके डायरेक्टर भी पराग पाटिल जी, जो इस समय तो मैं कहूँगा विश्वविख्यात डायरेक्टर हो चुके हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी एक लंदन में फिल्म बनी थी, उन्होंने उसको भी रिलीज़ किया, वहाँ भी कौशल जौहर अपना दिखा चुके हैं। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाते हैं और सबसे बड़ी बात जो है प्रदीप कुमार शर्मा जी की, उस कॉन्सेप्ट को कंसीव करके किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लोगों के दिलों में छाप छोड़ते हैं। अभी इस कोरोना काल के सबसे बड़ी सुपर डुपर फिल्म जो हुई है वो लिट्टी चोखा हुई है, वो ग्रामीण अंचल से बनी हुई एक ऐसी फिल्म है, पहली बार उस लोकेशन का, उस जितने भी वहाँ पर स्थल हैं उन सब का अवलोकन करेंगे तो लिट्टी चोखा अपने आप में एक बहुत बेमिसाल फिल्म है। तो यही कह सकते हैं कि ये खोजते हैं, पराग जी खोज के लाते हैं और फिर इसको आविष्कार की जननी है जो अभी अभी हमारी फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप में हुई। सबका बाप अंगूठा छाप एक अपने आप में अलग फिल्म है, लिट्टी चोखा एक अपने आप में अलग फिल्म है, अपनी आशिकी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इन सब में समाज से जुड़े हुए और परिवार से जुड़े हुए चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के दिल में एक छाप छोड़ने की कला है। मेरा अनुभव जहाँ तक है इन लोगों की केमिस्ट्री को लेके, ये पूरे समय जितना भी वक्त खाली होता है अपने कॉन्सेप्ट अपने कैरेक्टर को जीने की कोशिश करते हैं, उसमें से नई नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा इतने दिन का एक्सपीरियंस है और दिनेश लाल निरहुआ जो मेरे भाई के साथ साथ सुपरस्टार तो है ही है, इनके जैसा कॉपरेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं देखा है। इतने व्यवहार कुशल, इतने व्यवहारिकता और चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करके किस कैरेक्टर को कितना उभार सकते हो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बहुत धन्यवाद है उनका, और मैं उनके साथ, ये मेरी तीसरी फिल्म है, लंदन में एक फिल्म की थी, एक निरहुआ द लीडर ना सेवक, वो भी रिलीज होने पे है। तो मेरा एक्सपीरियंस तीन फिल्मों में इतना है कि मैं इनका ज़बरदस्त हूँ, या कह दूँ अंधभक्त हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो पदक जी ने बात कही वो बहुत सही कही कि दिनेश जी दरअसल सिर्फ अपने किरदार को लेकर तो वो सतर्क रहते ही हैं कैसे शेप देना है, उस फिल्म के जितने किरदार हैं उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि उनका भी अच्छा रोल हो। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षा मुझे लगता है कि दिनेश जी के अंदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चाहते हैं कि सामने वाला किरदार और अच्छा करे ताकि सिनेमा अच्छा बने, मतलब ये कहते हैं ना कि टीम के लिए खेलते हैं अपने शतक के लिए नहीं, नहीं। पर अच्छी फिल्म तो ऐसे ही बनती है, मुझे लगता है कि जब आप पूरे सिनेमा को अच्छे से तो ही अच्छी फिल्म बनती है। संजय महानंद भैया सब कुछ, सब लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि फिल्म में कुछ कहने के लिए मेरे द्वारा बच्चा नहीं है, बस ये है कि एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है और इस अच्छी फिल्म में मेरी जो भागीदारी होगी मैं उसे अच्छे से निभा पाऊँ ताकि एक अच्छी फिल्म बने और हम लोग सब इन्जॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी का बड़ा अच्छा अनुभव है हमने इनके साथ। संजय भैया आप जो अभी परिचय दे रहे थे वैनिटी में तो वही इनको मेरा परिचय दे दीजिए, फिर समझ जाएंगे लोग कि फिल्म क्या बन रही है। हाँ जी, और हम लोग
नहीं, इनको वही जो किए वही कर दीजिए। अक्षरा जी से मेरा सवाल है कि आप बड़े देसी लोग दिखाई पड़ते हैं जी। एक सवाल उनका हो जाना था। फिल्म का एक सीन है, बोलिए। हम लोग बड़े तैयारी करके, मतलब विनय जी का सहयोग के बगैर तो होने वो काफी हिट रहेगा फिल्म में। तो उसको हम करते हैं, उसमें हम तीनों ही हैं, तो मुझे लगता है पूरी टीम आ जाएगी। संजय भैया शुरू करेंगे। क्या प्रदीप भैया आप आ जाइए प्लीज। नमस्ते। क्या ये साहब हैं? साहब हाँ। कहाँ का साहब है? अरे हमारा गाँव के साहेब। अरे तो यहाँ का करे अलबा? यहाँ नौकरी। अरे नौकर का नाम साहेब, ड्राइवर का नाम सिपाही, खटाई का नाम मिठाई, ऐसा में कहाँ होला? तड़वा में होला। हमारे गांव में होला। हाँ। तड़वा में ही होगा। ये है चीज जो आपस में बैठने के बीच कैरेक्टर को ना छोड़ना, कैरेक्टर के साथ में जीने का सबसे बड़ा योगदान इनको जाता है। नो डाउट। अक्षरा जी से सवाल। अक्षरा जी आप बड़े देशी लोग को दिखाई पड़ते हैं जी। इस फिल्म में बहुत ही अलग किरदार है मेरा, प्योर खाटी लुक में हूँ, बहुत ही देहातन और सीधी सादी औरत की भूमिका निभा रही हूँ, इसलिए आज इस अवतार में हूँ।